हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो कि एसएनएस से रिलेटेड है। एसएनएस क्या होता है? ये मेडिकल नंबर होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि एसएनएस नंबर क्यों अप्लाई करते हैं और इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है। एसएनएस नंबर जो होता है वो एक मेडिकल नंबर होता है, उतनते नंबर होता है। अगर आप पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं तो अगर आपको कोई मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी हॉस्पिटल का खर्चा हो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो उसके लिए आपको मेडिकल अपना नंबर जो है मेडिकल नंबर बनवाना पड़ता है। उसके बिना आपको जो है ये हॉस्पिटल वाले अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो प्राइवेट का जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है एसएनएस नंबर बनवाना ज़रूरी है। और एसएनएस नंबर आप कहाँ बनवा सकते हैं? जहाँ का आपका जुनता है वहीं का ही आप अपना एसएनएस नंबर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे गाइस कि आप एसएनएस नंबर को आप जो है फिजिकली कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली अप्लाई करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी आपके नियर बाय संतरदी सूद है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। वो डे के डे ही आपका जो है, आप अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो दिन के दिन ही आपको उतनते नंबर बना कर दे देते हैं। बट एक यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। सुबह आपको मॉर्निंग में 5 बजे जाना पड़ता है, तब जाके आपका 8-9 बजे तक नंबर आता है, ठीक है। तो दूसरी बात करेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। जस्ट एक ईमेल आपको सेंड करनी होती है, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर सूद है वहाँ की एक ईमेल आईडी होती है। उस ईमेल आईडी पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका निफ हो गया, अगर आपका निस बना हुआ है तो ठीक है, नहीं आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि निस बनने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने निस अप्लाई किया हुआ है। अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है तो रेजिडेंसी कार्ड आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी ईमेल पर सेंड कर देने हैं और उनको बोलना है कि मैंने अपना उतनते नंबर अप्लाई करना है, तो प्लीज़ मेरा वो नंबर बना दीजिए। तो वो विद इन 7 डेज़ तो वो आपका जो है उतनते नंबर आपकी ईमेल पर बना कर भेज देते हैं। आपको कहीं भी हॉस्पिटल में जाने की, किसी भी अपॉइंटमेंट को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट में क्या लिखना है और ईमेल में आपको क्या लिखना है, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके भी अपनी ईमेल को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर जैसे आप सिंतरा में रहते हैं या फिर आप लिस्बन के अंदर रहते हैं, तो मैंने उन सब की, लिस्बन के अंदर जितने भी सेंटर सूद आते हैं, मैंने उन सब की ईमेल आईडी, सेंटर सूद की ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं और अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, घर बैठे आपका जो है उतनते नंबर बन जाएगा और आपकी ईमेल पर सेंड सेंड हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इतना सा प्रोसीजर होता है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।